हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैशटैग iiiEM न्यूज़ सीरीज। इस सीरीज़ के द्वारा हम लोग आप लोगों को लेटेस्ट न्यूज़ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में हमेशा देते रहते हैं। तो मैं आज की जो न्यूज़ शुरू करूं उसके पहले कुछ RCEP के बारे में बताना चाहता हूं कि हमारे जो लास्ट जो दो वीडियो RCEP के बारे में मैंने जो कुछ भी बताई थी बातें, उसके बारे में हम लोगों को बहुत सारी अच्छी सी प्रोत्साहन मिला हुआ है और लोगों ने ये भी कहा है कि हम लोगों का RCEP के और कुछ बारे में ज़्यादा से जानकारी दीजिए कि फ्यूचर में हम लोगों को इस प्रकार की जो अगर कोई बातें हैं तो हम लोग को उसको बातों का ध्यान रखें। तो आगे की बातें ये हैं कि ये जो RCEP है वो रीजनल कॉम्प्रेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है और उसके अंतर्गत RCEP अगर इस बार अगर जो कोई हम लोगों ने सही नहीं किए तो फिलहाल मामला थोड़ा रह चुका है। बिजनेस कम्युनिटी से ऐसा लगता है कि प्रेजेंट आर्थिक जो पोजिशन है वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कॉम्पिटिशन में खड़े रहने के हम अभी तैयार नहीं हैं, लेकिन भारत को कारोबार का जो 5 ट्रिलियन का जो हम लोगों ने टारगेट रखा हुआ है उसको सफल बनाने के लिए, विश्व बाजार में कॉम्पिटिटिव बनने के लिए भारत को मजबूत कदम उठाने ही पड़ेंगे, उसके बगैर और कोई भी हम लोगों को चारा नहीं है। प्रेजेंटली इंडिया जो है वो डोमेस्टिक के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिए हुए हैं, तो हम लोगों को एक्सपोर्ट के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। यही केवल RCEP के लिए नहीं, लेकिन जो दूसरी भी हमारी फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट दूसरे लोगों के साथ जो सही होगी उसमें भी हम लोगों को काम लगेगी। मेरे कहने का मतलब ये था कि डोमेस्टिक के साथ साथ में एक्सपोर्ट के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बाकी की जितनी भी एग्रीमेंट्स दूसरी कंट्रियों के सही होगी तो वहाँ पे भी हम लोगों को इस बात का बहुत फायदा होगा। इस वक्त अगर हम लोगों ने RCEP के अंदर सही नहीं की है तो प्रेजेंटली हम लोगों को भारत को नुकसान नहीं हुआ है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन RCEP के देशों में हमारे पास पहले से ही 10, क्यों ऐसा नहीं होने की वजह से पीछे एक ये है कि जो 16 देश RCEP के अंदर थे उसमें से 10 देशों के अंतर्गत हमारे पास ऑलरेडी उनके साथ एशिया पैसिफिक एग्रीमेंट के साथ हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो वो जो हैं ब्रूनी, दारुसलम, कम्बोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपाइन, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। सिंगापुर के साथ भी हमारी एक ट्रेड एग्रीमेंट ही है जिसका हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CECA, उसका फुल फॉर्म है कॉम्प्रेंसिव इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एग्रीमेंट। और हमारा एक दक्षिण कोरिया के साथ भी CEPA करके एग्रीमेंट है, कॉम्प्रेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। लेकिन बाकी के जो चार जो देश हैं उनके साथ भी हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। RCEP के अंदर जो बाकी के चार देश जो रह गए हैं वो हैं ऑस्ट्रेलिया, चीन, मलेशिया और न्यूजीलैंड। ये बहुत बड़े देश हैं जिनके साथ एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और भारत को जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए पहले से ही हमारा जो कैनेडा के साथ भी हमारा किया हुआ है, USA के साथ भी हमारे जो GSP का एक साल से जो प्रॉब्लम चल रहा था कि 90% सॉर्ट आउट हो चुका है और USA के जो डेलीगेट्स हैं बाय एंड ऑफ दिस मंथ यहाँ पर आ रहे हैं, तो वो जो हमारा USA के साथ भी था ट्रेड एग्रीमेंट अच्छी तरह से होने जा रहा है। और GSP का जो ब्लॉक्स लगाए थे USA ने वो भी हटने जा रहे हैं। RCEP कि जो एग्रीमेंट है उसको CPTPP के अंतर्गत देखा जा रहा है और इसका CPTPP का जो फुल फॉर्म है वो कॉम्प्रेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप है। ये प्रगति जो देश हैं उनके साथ उनकी एग्रीमेंट है, उसमें 10 देश हैं, उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया, ब्रूनी, चाइल, जापान, मलेशिया, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर एंड वियतनाम। तो इस पर्टिकुलर RCEP के अंदर ये देखा गया था कि चाइना को सबसे ज़्यादा बेनिफिट होने जा रहा था, लेकिन भारत को भी अपने मूल्य अधिकारों को रक्षा करने का पूरा अधिकार है। और क्योंकि RCEP के तहत भारत को ये आश्वासन नहीं दिया गया था कि बाकी की कंट्रियों में हमारे माल को एंट्री मिलेगी या नहीं, तो इस वक्त जो RCEP में हम लोगों ने सही नहीं किए तो उस हिसाब से ये तो बराबर था ही, लेकिन भविष्य में ये वापस ऐसे ही अवसर हम लोगों को मिलेंगे और हर बार ऐसा कहना कि ये हमारे लिए बराबर नहीं है वो बराबर नहीं होगा। जो कुछ भी बातें हैं जिस बातों की वजह से हम लोग इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कॉम्पिटिटिव नहीं खड़े रह पा रहे हैं, तो वो वाली बातों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देखना पड़ेगा और वो जो भी ब्लॉक्स हैं उसको हटाना पड़ेगा ताकि हमारा जो ट्रेड एग्रीमेंट्स जो फ्यूचर्स में आने वाली हैं दूसरी कंट्रियों के साथ उसके साथ हम कर पाएँ। हर बार हम लोग इन लोगों को रिजेक्ट नहीं कर सकते, वो भारत के हित में भी नहीं रहेगा।
कस्टम्स क्लियरेंस के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि यूनियन मिनिस्टर मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स जो निर्मला सीतारामन है, उन लोगों ने कस्टम्स क्लियरेंस का प्रोसेस को तेज़ और आसान बनाने के लिए आइस डैश और अतिथि की शुरुआत की है। तो इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के सिस्टम से जो इम्पोर्टेड गुड्स हैं वो आसानी से क्लियर हो सकेंगी, और जो बाहर से जो अराइवल हो रहा है पैसेंजर्स का, उसकी जो कस्टम्स की जो बैगेजेस और करेंसी का जो डिक्लेरेशन रहता है वो भी इसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आसान हो जाएगा। इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बारे में कुछ बताऊंगा कि दोनों देशों ने अपने जो डिफ़िकल्टीज थी एक दूसरे की वो समझ ली है और पर्टिकुलर डिफ़िकल्टियों को अभी नाबूद करके आगे बढ़ने की पूरी कोशिश की जा रही है कि जो भी हमारे बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी या जो भी हमारे ट्रेड ब्लॉक्स थे तो उसको नाबूद करके अभी हमारा ट्रेड एग्रीमेंट अच्छी तरह से सही होने जा रहा है। ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए हर न्यूज़ के नीचे मैंने एक लिंक दी हुई है, आप उसको क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। वेजिटेबल इंपोर्ट के बारे में मैं कुछ जानकारी दूंगा आपको कि वेजिटेबल इंपोर्ट जो है वो 3.5% बढ़ा हुआ है ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो उसका जो टोटल फिगर आया हुआ है तो इंडिया वेजिटेबल इंपोर्ट इंक्रीज बाय 3.5% टू 155.5 टन्स, जो लास्ट ईयर का जो था वो हमारा था 1.526 लाख टन इन प्रीवियस ईयर। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक दिया हुआ है, आप उसको लिंक को खोल के पढ़ सकते हैं। पल्सेस के इंपोर्ट के बारे में बता रहा हूँ कि कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री सीक्स रिमूवल ऑफ इंपोर्ट बार टू चेक दी पल्सेस प्राइस। जो पल्सेस के ऊपर जो रोक लगाई गई या कुछ टाइम पीरियड दिया गया था कि इस टाइम पीरियड तक ही आप पल्सेस को इंपोर्ट कर सकते हो, उसको रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देख रही है, क्योंकि ये पल्सेस की प्राइस अभी ऑलरेडी हाई हो चुकी है और इंपोर्ट करने के लिए किसी भी प्रकार का इमीडिएट आप जो टाइम पीरियड जो है उसको एक्सटेंशन बार बार लेने के वजह से उसे पर्टिकुलर पीरियड को खोल देने की गुजारिश की है। पाम ऑयल के बारे में बताऊंगा, इंडिया रेज्यूम्स बाइंग मलेशिया पाम ऑयल एज कुआलालंपुर ऑफर्स डिस्काउंट टू द ट्रेडर्स। मलेशिया ने पहले तो हम लोगों ने मलेशिया से इंपोर्ट करना थोड़े टाइम के लिए बंद कर दिया था, अब वापस मलेशिया ने हम लोगों को पाम ऑयल परचेस करने में हम लोगों को कुछ डिस्काउंट्स वगैरह ऑफर की हुई है, तो ये पाम ऑयल वापस हमारा इंपोर्ट होने जा रहा है मलेशिया से। ज़्यादा लिंक दी हुई है नीचे आपको जानकारी के लिए। प्याज के बारे में बताऊंगा, ओनियन जो है उसके बारे में, तो ओनियन का जो था वो इंपोर्ट को जो इंपोर्ट करने के लिए बहुत सारे एमएमटीसी के थ्रू टेंडर्स बाहर निकाले गए थे और उनके इंपोर्ट के जो नॉर्म्स हैं उसको रिलैक्सेशन दिया गया है, खास करके जो फ्यूमिगेशन का प्रॉब्लम चल रहा था उसके बारे में। तो अब अगर कोई इंपोर्टर बाहर से इंपोर्ट करके यहाँ लाता है और वहाँ से फ्यूमिगेशन होकर नहीं आया तो यहाँ पर इंपोर्ट का ओनियन उतारने के बाद यहाँ पर फ्यूमिगेशन किया जा सकता है, ऐसा गवर्नमेंट ने बताया हुआ है। WTO के साइट के ऊपर एक न्यूज़ आया हुआ है कि इंडिया ने सेफगार्ड इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर को बढ़ावा दिया है फॉर द प्रोडक्ट ऑफ आइसोप्रोपिलीन अल्कोहल। तो पहले ये जानेंगे हम कि ये सेफगार्ड इन्वेस्टिगेशन होता क्या है। सेफगार्ड इन्वेस्टिगेशन सीक्स टू डिटरमाइन वेदर इंक्रीज्ड इंपोर्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स आर कॉजिंग और थ्रेटनिंग इनटू द सीरियस इंजरी टू डोमेस्टिक मार्केट। अगर कुछ पर्टिकुलर ये जो सामान है आइसोप्रोपिलीन अल्कोहल अगर वो इंडिया के अंदर इंपोर्ट हो रहा है तो उसका डोमेस्टिक मार्केट के अंदर किसी प्रकार का कोई इंपैक्ट आ रहा है क्या, ये देखने का एक तरीका होता है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी साइट के ऊपर दिया हुआ है और सबसे सुझाव मांगे हैं कि अगर ये इंपोर्ट हो रहा है ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट तो हमारे इंडियन मार्केट के अंदर, हमारे इंडियन डोमेस्टिक मार्केट के अंदर इसका कुछ असर आ रहा है क्या, तो आपके सुझाव भी मांगे हैं। अगर आपके कुछ भी सुझाव हैं तो आप कोई नीचे लिंक दी हुई है, आप अपने सुझाव वहाँ पर भेज सकते हैं। शुगर एक्सपोर्ट के बारे में बताऊंगा कि हमारे पास सरप्लस शुगर होने की वजह से हम लोग कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करने के लिए टारगेट कर रहे हैं और इंडिया का जो शुगर है 1 मिलियन टन शुगर एक्सपोर्ट ड्यूरिंग दी 1920, इतना 1 मिलियन टन 1920 के अभी तक के पीरियड में एक्सपोर्ट हो चुका है। हमारे जो सबसे ज़्यादा बड़े बायर रहे हैं वो ईरान है और सम अदर कंट्रीज़ फ्रॉम एशिया। इंडिया का जो ज़्यादा से ज़्यादा शुगर एक्सपोर्ट हो सके उसकी पूरी की पूरी कोशिश की जा रही है। ड्यूटी ड्रॉबैक के मैं बारे में बताना चाहता हूँ। एक गुड न्यूज़ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ड्यूटी ड्रॉबैक बढ़ाया हुआ है और ड्यूटी ड्रॉबैक जो बढ़ाया हुआ है वो इस प्रकार है, ₹372.90 पर ग्राम फॉर गोल्ड एंड ज्वेलरी। पहले जो था उसका 272 था, उसको इंक्रीज़ करके ड्यूटी ड्रॉबैक पर ग्राम अभी 372.90 मिलेगा
और सिल्वर के अंदर जो है वो आप लोगों को ड्यूटी ड्रॉबैक पर ग्राम 4,332 मिलेगा, जो पहले 3,254 था। तो इसका जो नोटिफिकेशन है दैट हैज़ कम इफेक्टिव फ्रॉम दी 16th of November। तो आप लोगों को ये एक अच्छी न्यूज़ है कि इस प्रकार अगर आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिल रहा है एक्सपोर्ट के अंदर, तो आपका ये जो कॉम्पिटिशन है वो अच्छी तरह से आप वर्ल्ड मार्केट के अंदर कॉम्पिटिशन कर सकते हैं। सुल्तनत ऑफ ओमान के बारे में कुछ अच्छी न्यूज़ आई हुई है कि सुल्तनत ऑफ ओमान के वहाँ पर हम लोग अपना बिजनेस को ज़्यादा से बढ़ावा दे सकते हैं। सुल्तनत ऑफ ओमान जो है वो GCC कंट्रीज़ का एक पार्ट है, और जो दूसरी जो कंट्रीज़ हैं उसके अंदर जो हम लोगों को फ़ायदा होने वाला है वो है ईस्टर्न अफ्रीकन की कंट्रीज़ हैं, क्योंकि ओमान ने उसका जो 1700 किलोमीटर का जो सी शोर है और उसके जो 4 पोर्ट्स हैं और उसके जो फ्री जोन है वो इंडिया को यूज़ करने के लिए सहमति दी हुई है। तो अगर ऐसा हुआ तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर और ओमान के अंदर बहुत अच्छी तरह से बढ़ सकता है। कुछ एग्जीबिशंस के बारे में बताऊंगा कि अभी जो रिसेंटली लगने वाले हैं दैट इज़ ऑन 4th December एक लग रहा है प्लास्टिक यूरेशिया तुर्की के अंदर, 9th December को एक लग रहा है फूड अफ्रीका इजिप्ट के अंदर लग रहा है, और 10th SAIL मिडिल ईस्ट के अंदर लग रहा है UAE के अंदर 10th December, 12th December में इंडिया शो रशिया में लग रहा है, और हम जो IIIEM की तरफ से गल्फ फूड के अंदर जो एक लगा रहे हैं आपको ले जा रहे हैं, जो भी पार्टिसिपेंट इंटरेस्टेड हैं, तो गल्फ फूड जो दुबई के अंदर बड़ा एक्सपो लगता है एग्जीबिशन वो 16th February से लेके 20 February तक है। जो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहता है तो मैं आप लोगों को एक नंबर देता हूँ, तो आप उसके अंदर कॉन्टेक्ट करके ज़्यादा डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर है 7573031 85। ये IIIEM हमेशा हर साल गल्फ फूड के अंदर चाइना और दूसरी जगहों पर जितने बड़े एग्जीबिशन लगते हैं तो हम आप लोगों को साथ में ले जाते हैं, और वहाँ पे उनकी जो एग्जीबिशन है वहाँ पे हम लोगों को साथ में घुमाते हैं। तो अगर आप लोगों को किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट है तो आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कीजिए, ज़्यादा बात प्राप्त कीजिए। ये आज की न्यूज़ यहाँ तक फिलहाल है, और अगर आप लोगों को ये न्यूज़ अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए। मेरी रिक्वेस्ट है जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उन लोगों को कुछ भी क्वेरीज है तो आप अपनी क्वेरीज हेल्प डेस्क के थ्रू रूट कीजिए, बाकी लोग यहाँ पे अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं, हमसे जितना हो सकेगा हम आपके जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।